हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएमएस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स स्टूडेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। जो आपकी फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके अंदर आपके चार चैप्टर्स इंक्लूड है। जो आपका पहला चैप्टर है वो है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। जो आपका दूसरा चैप्टर है वो है गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। जो आपका तीसरा चैप्टर है वो है आपका विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जो आपका फोर्थ चैप्टर है वो है विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ये चार चैप्टर्स मिलकर आपकी पहली यूनिट बनती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हम पहले चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे। इसके बारे में स्टडी करने से पहले हमें चार्ज के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट जानना होगा कि चार्ज है क्या। हमें पता है कि फिजिक्स जो ओवरऑल जो रिलेटेड है फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, हम नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। हम प्रकृति में जितनी भी घटनाएं होती उन सभी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो मुख्यतः जो प्रकृति में है वो चार प्रकार के बल होते हैं आपके। एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा जो आपका है वो है विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा प्रबल नाभिकीय बल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और जो फोर्थ है आपका वो है दुर्बल नाभिकीय बल वीक न्यूक्लियर फोर्स। जो गुरुत्वाकर्षण बल है और जो विद्युत चुंबकीय बल है, ये दोनों ही इनफाइनाइट रेंज के फोर्स है। मतलब रेंज क्या होती है, रेंज से हम क्या समझते हैं, रेंज एक डिस्टेंस होती है जहाँ पे कोई भी दो पार्टिकल्स या वस्तु जिसकी भी बात करते हैं, वो पार्टिकल्स एक दूसरे के लिए फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो जो डिस्टेंस होती है वो आपकी रेंज होती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल के लिए रेंज होती है वो आपकी इनफाइनाइट होती है, जबकि जो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है और वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इनके लिए ये दोनों है जो शॉर्ट रेंज फोर्स है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किन के बीच में लगता है। तो हमने 11th क्लास में अच्छे से स्टडी कर रखा है इसके बारे में। जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो हमेशा ही दो द्रव्यमानों के बीच में लगता है। उसके बाद में ये जो दो द्रव्यमानों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, इसकी प्रकृति हमेशा ही आकर्षण प्रकार की होगी, हमेशा ही ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा नेचर में। लेकिन जो विद्युत चुंबकीय बल है, ये बल हमेशा ही आवेशित कणों के बीच में लगता है। आवेशित कणों के बीच में जब ये बल लगता है तो इसकी प्रकृति आकर्षण की भी हो सकती है और प्रतिकर्षण की भी हो सकती है। और हमने मैग्नेट के एक्सपेरिमेंट में हमने देखा है कि जो समान इक्वल पोल्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो अपोजिट पोल होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे आवेश के बारे में। अब आवेश के बारे में पढ़ने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि हम कोई भी एक छड़ लेते हैं, और बेसिकली जो हमने सुना भी है पहले एक्सपेरिमेंट, छड़ की जगह पे हम बाल बनाने वाली कंघी भी ले सकते हैं, कॉम्ब भी ले सकते हैं। अगर हम कागज के टुकड़ों को एक जगह पे रख दें और उस छड़ या फिर उस कंघी को हम उन टुकड़ों के पास ले जाएं, क्या वहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा? हम देखते हैं कि वहाँ कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है। अब फर्दर हम क्या करते हैं कि अब हम उस छड़ को या फिर वो जो कंघी है उसको हम घर्षण करवाते हैं, उसको हम किसी भी सिल्क के कपड़े पे या किसी दूसरी चीज़ पर हम उसको घर्षित करवाते हैं। उसके बाद हम उनको कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तब हम देखते हैं कि अब ये छड़ या अब ये कंघी उन कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसा क्या चेंज हुआ उस छड़ में या कंघी में कि अब ये इन कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित करने लग गई? तब हम कहते हैं कि ये जो उस कंघी के अंदर या उस छड़ के अंदर जो एक नया गुण आया है, वही नया गुण आपका क्या है, आवेश है। आवेश के बारे में हम बेसिकली क्या कह सकते हैं कि आवेश किसी वस्तु या फिर पदार्थ का वह गुण है, आवेश किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण है
जो उसे सक्रिय बनाता है, जो उसे सक्रिय एक्टिव बनाता है। अब आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धनावेश पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है ऋणावेश नेगेटिव चार्ज। अब धनावेश से हम क्या समझते हैं और ऋणावेश से हम क्या समझते हैं, तो हम बेसिक एक बात करते हैं किसी भी मैटर की। मैटर क्या होता है? द्रव्य। मैटर किससे मिलके बना होता है? परमाणु से मिलके बना होता है। परमाणु के अंदर क्या होते हैं? परमाणु के अंदर एक धनावेशित एक छोटा सा भाग होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। इस नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इस नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अब अगर हम उदासीन पदार्थ की बात करें तो उदासीन पदार्थ के अंदर क्या होता है कि जितनी संख्या में आपके प्रोटॉन्स होंगे उतनी ही संख्या में आपके क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तब वो पदार्थ कैसा होगा? उदासीन होगा। अगर हम किसी भी धनावेशित की बात करते हैं तो धनावेशित में क्या होगा? आपकी पॉजिटिव चार्ज एक्सिस में होगा, तो इसमें प्रोटोनों की संख्या ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। और यही अगर हम ऋणावेशित की बात करें तो नेगेटिव चार्ज में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है आपकी प्रोटोनों की संख्या से। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि क्या पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद में हम अभी हमने आवेश के बारे में पढ़ा कि